हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HAS एग्ज़ाम के लिए डी रॉ सीरीज़ की शुरुआत करी थी, दैट मीन्स डेली रिवीजन एंड वर्क। तो यहाँ पर हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम जो देखने वाले हैं, दैट इज़ डिजीज़ इन न्यूज़ का सबसे पहला लेक्चर। तो पिछले एक साल में जितने भी आपकी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि न्यूज़ में चल रही थी, उन सभी डिजीज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज इसका पहला लेक्चर है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर सारी की सारी करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर मंकी पॉक्स का जो वायरस है, उसका एक केस मिला है, और ये माना जा रहा है क्योंकि वो जो पर्सन है वो नाइजीरिया से ट्रैवल किया था, इस वजह से जो मंकी पॉक्स वायरस है वो एक जगह से दूसरी कंट्री में भी आ गया है। तो अगर मैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बात करूं, तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि एक डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स डिजीज, और ये एक जूनोटिक डिजीज है। दैट मीन्स ये एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। कैसे ट्रांसमिट होती है? या तो एनिमल ने किसी ने बाइट कर लिया हो ह्यूमन को, या फिर उसने कोई स्क्रैचेस डाल दिए हो ह्यूमन के ऊपर, या फिर उस पर्सन ने उस किसी भी एनिमल का जो मीट है उसको कंज्यूम किया हो। इसके अलावा इस मंकी पॉक्स वायरस के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि जो पर्सन है उसके जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे ऐसे बड़े बड़े से नोड्स बन जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दैट मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है, तो वहां पे आपके अलग अलग जगह पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। वो नोड्स क्या करते हैं कि जितना भी आपका लिम्फ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फिल्टर आउट करने का काम करते हैं। तो उस वजह से वो जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वोलन अप हो जाते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत ज्यादा WBCs भी देखने को मिलते हैं, और WBCs जो होते हैं वो आपके बॉडी के सोल्जर सेल्स होते हैं, जो कि आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सिंड्रम के बारे में, जिसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रम। ये एक ऐसा सिंड्रम है जिसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जब भी वो सोते हैं तो अल्टीमेटली वो उठ नहीं पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रम है, उसके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये चेक करने लगे कि ये सडन डेथ हो क्यों जाती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं, रिसेंटली उन्होंने ब्लड के अंदर एक बायोमार्कर को इन्वेंट किया है। उन्होंने क्या देखा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी डेथ इस सिंड्रम की वजह से हो जाती है, उनके ब्लड के अंदर एक एंजाइम की कमी हो जाती है, और उस एंजाइम का नाम है ब्यूटराइल कोलाइन स्टीयरेज एंजाइम, और इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी कम हो जाता है। तो अगर मैं इस एंजाइम के बारे में बात करूं, तो ये जो एंजाइम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो भी ऐसी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्रीदिंग रेट को चेंज करना, हार्ट बीट करवाना, है ना, ये सारी की सारी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि इन बच्चों के अंदर इस एंजाइम की कमी हो गई है, तो इस वजह से इनकी सडन डेथ हो जाती है, और अल्टीमेटली ये उठ नहीं पाते हैं। एक बार सो जाते हैं तो ये इन्वायरमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार यहाँ पे जो ICMR है, उन्होंने डायबिटीज Type 1 डायबिटीज के लिए गाइडलाइंस को इशू किया है। ICMR आपको पता ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेडिकल के ऊपर रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी डिजीजेस वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिसर्च करते हैं। अगर मैं यहाँ पे Type 1 और Type 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली बात, डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, दैट मीन्स जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर गया है, और इसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में हेल्प करता है।
तो अब टाइप वन डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि जो इंसुलिन जीन है वो डिफेक्टिव होती है, दैट मीन्स जो इंसुलिन बनाने के लिए जो सेल्स हैं वो यहाँ पर इंसुलिन को बना ही नहीं पा रही हैं, और उस वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और इस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप वन डायबिटीज़। ठीक है, टाइप टू डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर वो इंसुलिन को प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत लो क्वांटिटी का इंसुलिन होता है, और उसकी वजह से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो कम नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली इस पर्सन के अंदर भी जो ब्लड का शुगर लेवल है वो ज़्यादा ही रहता है। तो आपको टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली जो टाइप वन डायबिटीज़ होती है वो बचपन से ही होती है क्योंकि उसकी जो जीन है वो डिफेक्टिव है, लेकिन जो टाइप टू डायबिटीज़ है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जितना भी थोड़ा बहुत इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थाईलैंड ने यहाँ पे मरिजुआना की कल्टीवेशन को लीगलाइज कर दिया है, और उन्होंने लेकिन अभी भी जो इंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए मरिजुआना को यूज़ किया जाता था, दैट मीन्स यहाँ पे जो गांजा है उसको यूज़ किया जाता था, उसको अभी भी उन्होंने बैन रखा है। तो अगर मैं मरिजुआना के बारे में बात करूँ तो ये मरिजुआना जो है वो एक प्लांट से आता है जिसका नाम है कैनाबिस प्लांट, जो कि भांग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपने भांग के पत्ते देखे होंगे, है ना, तो इससे मरिजुआना बनता है जो कि जो लोग हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मरिजुआना है वो ड्रग्स इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, दैट मीन्स यहाँ पर अलग अलग दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो 1985 का जो एक्ट है, दैट इज़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, इसके अंदर कैनाबिस की कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे पनिशेबल है, दैट मीन्स जो भी कैनाबिस की कल्टीवेशन करेगा उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसको एक तरह से पिनलाइज किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में, तो यहाँ पर इसके अंदर जो CBD ऑयल है, दैट मीन्स जो कैनाबिस से निकलने वाला जो ऑयल है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये अलग अलग जगहों पर भी सोल्ड मतलब सेल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो 1945 वाले हैं उसके अंदर जो भी कैनाबिस है, तो यहाँ पे कैनाबिस से आने वाले जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, तो इन सब को इन लिस्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेदा में जड़ी बूटियां बनाने के लिए यूज़ करी जाती हैं, तो यहाँ पे इन पर्पसेस के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैनाबिस का स्टेटस हमारे इंडिया में क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। तो रिसेंटली केरला के थ्रिसूर रीजन के अंदर एक 47 ईयर ओल्ड जो मैन है उनकी वेस्ट नाइल वायरस की वजह से डेथ हो गई है। इसके अलावा भी केरला रीजन के अंदर जो वायरस है वो अलग अलग सालों में यहाँ पर देखने को मिला, जैसे 2019 में एक 6 साल का जो बच्चा है उसको भी हो गया था। इसके अलावा 2006 के अंदर, 2011 के अंदर जो वेस्ट नाइल वायरस है उसके केसेस यहाँ पे केरला में देखने को मिले। अगर मैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात तो इसका नाम इसलिए है क्योंकि अफ्रीका का जो नाइल रिवर है उसके आसपास ये जो वायरस है वो किसी एक पर्सन के अंदर देखने को मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1937 के अंदर युगांडा के अंदर एक वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ही एक पर्सन में ये जो वायरस है वो देखने को मिला। लेकिन बाद में भी जैसे 1953 हो गया, इस वायरस को एनिमल्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के अंदर आइडेंटिफाई किया। दैट मीन्स ये जो वायरस है ये एक जूनोटिक डिजीज है, दैट मीन्स ये जो वायरस है वो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक वेक्टर है, दैट इज़ एक मस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स मस्किटो। तो ये जो क्यूलेक्स मस्किटो होता है वो इस वायरस को एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो वेस्ट नाइल वायरस है वो कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो यहाँ पे एक जापानीज एनसेफेलाइटिस है जिसके अंदर जो ब्रेन है उसके जो एनसेफेलॉन है बेसिकली वो अफेक्टेड होता है, मतलब ब्रेन के अंदर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा ये येलो फीवर भी कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो रिसेंटली एक स्टडी में ये पाया गया है कि यहाँ पर मलेरिया के केसेस को कम करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ किया जा रहा है। देखो, अगर मैं मलेरिया के बारे में बात करूँ तो ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसके अंदर यहाँ पर अलग
अलग स्पीशीज़ होती हैं जिसका नाम है जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाईवैक्स हो गया, ये एक मस्किटो के अंदर चले जाते हैं जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। और जिस टाइम पे ये मस्किटोज रात में ब्रीड करते हैं तो उस टाइम पे ये ह्यूमंस को बाइट करते हैं और उसी की वजह से ये जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमंस में भी आ जाता है और अल्टीमेटली मलेरिया कॉज कर देता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर हम आर्टिफिशियल लाइट को यूज़ करें, दैट मीन्स रात के समय में भी अगर लाइटों को जलाकर रखें तो उस टाइम पे ये जो मस्किटोज हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली ये ह्यूमंस को बाइट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि क्या यहाँ पे मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो मॉस्क्यूरिक्स ब्रांड के नाम से आरटीएस बिक रही है वो बेसिकली मलेरिया के लिए ही एक वैक्सीन है। वैक्सीन का काम यही होता है कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसको वीक करके बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडीज वगैरह बना सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या है, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो बफेलोज एंड कैटल्स वगैरह हैं उनके अंदर एक डिजीज़ हो गई है जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर यहाँ पे जो कैटल है उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे अलग अलग आपको नोड्यूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो स्किन के ऊपर यहाँ पे लम्प्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस डिज़ीज़ के बारे में बात करूं तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पॉक्स वायरस की वजह से होती है और ये कैटल के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से अलग अलग जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इस कैटल के अंदर जैसे वाटरी आइज़ हो जाती हैं, वाटरी नोज़ हो जाती हैं, इसके अलावा भी इसकी स्किन के ऊपर लम्ब्स बन जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसके अगेंस्ट वैक्सीन, इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूडेड है। दैट मीन्स सारी जो कैटल्स वगैरह हैं उनको इसकी वैक्सीन प्रोवाइड करी जा सकती है ताकि इनको ये डिजीज़ ना हो। वैसे सबसे पहली बार ये जो डिजीज़ है वो 1929 में जाम्बिया वाले रीजन के अंदर देखने को मिली थी, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं इस ब्लैक डेथ के बारे में बात करूं तो ये एक बैक्टीरिया स्पीशीज़ की वजह से होती है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर चला जाता है जैसे रोडेंट्स माइस वगैरह के अंदर चला जाता है और अल्टीमेटली माइस से ये ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। दैट मीन्स ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब यहाँ पर यही होता है कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है और जैसे ही ये ह्यूमंस में आती है तो अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन को ये डिजीज हो जाती है तो उसको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कफिंग वगैरह होती है, इनके भी लिम्फ नोड्स जो है वो स्वोलन अप हो जाते हैं। इसके अलावा इनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो थोड़े काले पड़ने लग जाते हैं और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अदरवाइज भी ये जो डिजीज है वो 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में देखने को मिली जैसे यूरोप के अंदर हो गया, अफ्रीका के अंदर हो गया, वेस्टर्न एशिया के अंदर ये जो डिजीज है बहुत ज्यादा देखने को मिली थी और उस टाइम पे लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हुई थी ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के बारे में जिसके यहाँ पे जो कुछ स्ट्रेन्स हैं वो एक कोलकाता के अंदर सीवेज सैंपल्स के अंदर देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं पोलियो वायरस के बारे में तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि पोलियोमाइलिटिस की वजह से होता है और यहाँ पे इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। लेकिन 1999 के अंदर जो P2 के स्ट्रेन्स हैं वो इरेडिकेट हो चुके थे। दैट मीन्स यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी वायरस का जो P2 स्ट्रेन है वो नहीं रहा था। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर 2014 में जो P1 और P3 के स्ट्रेन्स हैं वो भी इरेडिकेट हो चुके थे। तो इस वजह से जो भी अभी स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे हैं तो एक तरह से वो एक खतरे की बात है क्योंकि हमारे इंडिया में से ऑलरेडी ये जो स्ट्रेन्स हैं वो इरेडिकेट हो चुके हैं। तो अगर मैं पोलियो वायरस के बारे में बात करूं तो ये जो वायरस है वो ह्यूमंस के लिम्स के अंदर जाकर रहने लग जाता है जैसे लोअर लिम्स के अंदर। लोअर लिम्स का मतलब है यहाँ पर लेग्स वगैरह के अंदर जाकर रहने लग जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पे न्यूरॉन्स की ये पैरालिसिस कर देता है। दैट मीन्स जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल को कैरी नहीं कर पाते और यहाँ पे लेग्स की पैरालिसिस हो जाती है। अब इस पोलियो वायरस को इरेडिकेट करने के लिए अलग अलग वैक्सीन दी जा रही थी जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, देन इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हो गया, है ना, ये दी जा रही थी। इसके अंदर वैक्सीन दी जा रही थी, वैक्सीन का मतलब है ऐसा माइक्रोब जो कि या तो किल करके डाला है या फिर उसको वीक करके डाला है ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके। तो यहाँ पर जो भी वैक्सीन दी गई है अब वो बॉडी में एंटीबॉडी बनाने की बजाय यहाँ पर ग्रो करने लग गया है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी
एंटी सिंसिशियल वायरस के बारे में। तो यहाँ पर ये जो वायरस है ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली इन बच्चों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का जो सिस्टम है, उनको अफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल से लेकर ज़्यादातर 6 साल के बच्चों को ये इफेक्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। लेकिन इसको एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, तो इसीलिए हैंड वॉश करना है प्रॉपरली, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको सैनिटाइज करके रखना है और जब भी कफिंग और स्नीजिंग वगैरह हो तो हमेशा हाथ रख के या फिर कोई टिश्यू वगैरह रख के ही करना चाहिए ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ना आए और अल्टीमेटली ये किसी और को ना फैले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंडोसल्फन के बारे में, जो कि बेसिकली एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा था क्रॉप्स के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी क्रॉप्स वगैरह हैं, जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं, उनके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स यहाँ पे क्रॉप्स को ख़राब कर रहे हैं तो उनको मारने के लिए एंडोसल्फन को यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो एंडोसल्फन है वो अल्टीमेटली ह्यूमंस के अंदर आ जाता है, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर चला जाता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक होता है। दैट मीन्स ये नर्वस सिस्टम को जाकर इफेक्ट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, सिग्नल्स को कैरी करने का, दैट मीन्स स्टिम्युलस को लेने का। जैसे मैं कोई चीज देख रही हूं या मैं कोई चीज सुन रही हूं तो उसको सुनने का या फिर देखने का जो काम है वो हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं और अल्टीमेटली वो जो मैसेज है दोबारा से हमारी आईज के अंदर आता है ताकि हमें पता लग सके कि हमने कौन सी चीज को देखा है। तो दैट मीन्स अगर ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो एक तरह से ये जो पर्सन है वो किसी भी इन्वायरमेंट चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस एंडोसल्फन को अलग अलग कन्वेंशंस के अंदर भी इंक्लूड किया गया है ताकि इसको बैन किया जा सके। इवन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी 2015 के अंदर यहाँ पर जजमेंट सी थी और ये बोला था कि आप इस एंडोसल्फन की प्रोडक्शन को करना बंद कर दीजिए और इसको एक तरह से बैन करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टेप्स थे। 2011 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप इसको धीरे धीरे कम कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोसल्फन है ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिगेलोसिस के बारे में। तो रिसेंटली केरला वाले रीजन के अंदर यहाँ पे शिगेला का आउटब्रेक देखने को मिला है। दैट मींस शिगेला जो है वो एक बैक्टीरिया है, वो अलग अलग पर्संस को हो रही है। अब शिगेला बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाकर रहने लग जाता है और अल्टीमेटली इनके डाइजेशन को ख़राब कर देता है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह से डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग जाती हैं और इसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी और आयंस का लॉस हो जाता है। आपने ध्यान देना है कि शिगेला के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो दैट मींस अगर यहाँ पे कोई भी लॉस हुआ है बॉडी का तो उसके लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया जाता है जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको हम ORS के नाम से भी जानते हैं। दैट मींस यहाँ पे जितना भी बॉडी में अलग अलग पानी और आयंस का लॉस हुआ है उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखा गया कि हमारी कंट्री में जो हाइपरटेंशन के, दैट मींस हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, जो कि 2.1 मिलियन पेशेंट है, उसमें से भी जो 23% लोग हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड बीपी की प्रॉब्लम है। दैट मींस एक बार अगर बीपी बढ़ जाए तो वो कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं हाई बीपी के बारे में बात करूँ, जिसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से पंप करने लग जाता है और अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर जो ब्लड का एक तरह से प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इसकी वजह से इस पर्सन को हाई बीपी हो जाता है। ऐसे जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होना चाहिए, 120:80 mmHg। दैट मींस जिस टाइम पे जो हार्ट है वो रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे ब्लड फ्लो जो है वो 80 mmHg होना चाहिए और जिस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो ब्लड का फ्लो है वो 120 mmHg होना चाहिए। लेकिन एक हाई बीपी वाले पेशेंट के अंदर ये जो ब्लड प्रेशर है वो 140:90 mmHg हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसेंटली USA के अंदर 12 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको रेक्टल कैंसर था और उनके कैंसर को यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी से ठीक किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहली बात, रेक्टल कैंसर होता क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और जो रेक्टम है उसके अंदर टेम्परेरीली जो फीसिस हैं, जो कि एक्सक्रीटा वगैरह है, वो स्टोर होता है और अल्टीमेटली एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटा है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। दैट मीन्स ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का
का एक पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैंसर के बारे में, तो कैंसर के अंदर जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड वे से ग्रो होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, और अल्टीमेटली इस कंडीशन को हम कैंसर कह देते हैं। तो कैंसर के लिए यहाँ पे अलग अलग थेरेपीज़ वगैरह अवेलेबल थी, जैसे कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे रिसेंटली USA के न्यूयॉर्क के अंदर एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर एक ट्रायल हुआ और यहाँ पे 12 पेशेंट्स का जो रेक्टल कैंसर है उसको इम्यूनोथेरेपी से ठीक किया गया। अब इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या है यहाँ पे और कैसे इसको ठीक किया, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इस ट्रायल के अंदर इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि 6 महीनों के लिए हर एक 3 हफ्ते बाद इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी, जो कि दोस्तारली मैब के नाम से जानी जा रही है। तो जब इन पर्सन को दोस्तारली मैब दी तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि, सबसे पहली बात, एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उस एंटीजन को किल करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि उस एंटीजन के सिर्फ एक साइट को ही वो रेकोगनाइज करती हैं और सिर्फ वहीं जाकर ये एंटीबॉडीज़ लगेंगी और अल्टीमेटली ये जो एंटीजन है वो किल हो जाएगा। दैट मीन्स स्पेसिफिक एपिटोप के ऊपर जाकर ये एंटीबॉडीज़ लगती हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कह देते हैं। अल्टीमेटली ये जो थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, वो PD-1 बेस्ड है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये जो टी सेल है ना, उसके ऊपर यहाँ पे PD-1 रिसेप्टर लगा होता है, जो कि ट्यूमर सेल, दैट मीन्स जो कैंसर सेल है, वो PD-L1 के साथ जाकर जुड़ जाता है। और जब ये इसके साथ जाकर जुड़ जाता है तो जो हमारी टी सेल्स होती हैं, दैट मीन्स ये WBCs की एक टाइप है जो कि आगे जाके कैंसर सेल को किल करती हैं। तो अल्टीमेटली ये इस कैंसर सेल को किल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो दोस्तारली मैब बनाई है वो इस PD-1 रिसेप्टर के लिए बनाई है, या फिर यहाँ पे PD-L1 रिसेप्टर के लिए बनाई है, ताकि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो इसके साथ जाकर लग जाएं और जो टी सेल्स हैं वो अल्टीमेटली इस कैंसर सेल को किल कर दें। तो इस तरीके से इनका जो रेक्टल कैंसर है उसको एक तरह से क्योर किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी एक तरह से स्टडी है, तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो डिजीजेज इन न्यूज़ है उनके बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी की न्यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।